और दोस्तों फाइनली आ रहा है इंडिया में Redmi Note 5 Pro का सक्सेसर Redmi Note 6 Pro। क्या ये Redmi Note 6 Pro उतना ही पॉपुलर होगा जितना Redmi Note 5 Pro हुआ था? देखते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी Redmi Note 6 Pro का ग्लोबल वर्जन का अनबॉक्सिंग किया हुआ है, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए, थोड़े डिफरेंस है दोनों भी फोन्स में, देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले तो दोस्तों ये है ग्लोबल वर्जन, इधर क्लियरली लिखा हुआ है, ये देखिए ग्लोबल वर्जन, और ये ऑरेंज बॉक्स में आता है। इंडियन वर्जन जो है दोस्तों ये व्हाइट बॉक्स में आता है, साथ में मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। सो दिस इज मेड इन इंडिया। हमारे पास जो वर्जन है दोस्तों वो है 6GB 64GB ब्लैक वेरिएंट। नोट 5 प्रो के कंपैरिजन में सबसे बड़ा या फिर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है सेल्फी कैमरा ड्यूल। दो कैमराज आते हैं आगे की तरफ, फोटो भी तो दिखाएंगे, लेकिन पहले खोलते हैं बॉक्स और देखते हैं अंदर क्या क्या है। ऑल राइट, Redmi Note 6 Pro 20 megapixel प्लस 2 megapixel पोर्ट्रेट सेल्फी, 12 megapixel प्लस 5 डुअल कैमराज, रेयर के 19:9 एस्पेक्ट रेशियो, 15.9 सेंटीमीटर यानी 6.26 इंच की FHD प्लस स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर। एंड दोस्तों पहली बार देखते हो पता चल जाता है कि भाई ये Xiaomi का फोन है। एब्सोल्युटली द सेम डिजाइन, ज्यादा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो जो बैक है फ्रंट है, क्लियरली आपको पता चलता है कि ये Xiaomi का डिवाइस है। मैंने जैसे पहले मेरे ग्लोबल वर्जन के अनबॉक्सिंग में कहा था, Xiaomi needs to come up with different design। जी हाँ, इसमें different design होना चाहिए क्योंकि सभी फोन बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। लेकिन दोस्तों फोन को रखते हैं बाजू को, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन एंड TPU केस, जिसकी क्वालिटी दोस्तों नॉट द बेस्ट दैट आई हैव सीन। इतना ज्यादा स्नगली फिट नहीं होता है जैसे हमने ग्लोबल वर्जन में देखा था, इसमें भी वही है। जो ऊपर का TPU केस है इट कम्स ऑफ इजीली। और दोस्तों इसमें है ट्रैवल चार्जर विच इज 10 वैट एंड माइक्रो USB केबल। चलिए दोस्तों रखते हैं बॉक्स को बाजू को, अब देखते हैं एक्चुअल फोन। जैसे मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक ही होती है। पीछे की जो बैक है मेटल है, ऊपर की तरफ प्लास्टिक है, डुअल कैमराज है एंड बम्प इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। मी A2 के जितना तो नहीं है लेकिन है जरूर। आउट ऑफ द बॉक्स दोस्तों मी UI 10 के ऊपर आता है, विच इज अ गुड न्यूज दोस्तों। और एक बड़ा डिफरेंस है दोनों ग्लोबल वर्जन और इंडियन वर्जन में। इंडियन वर्जन में दो वेरिएंट आते हैं, 4GB और 6GB रैम में, हमारे पास 6GB रैम है। और ग्लोबल वेरिएंट में आते हैं 3GB, जो हमारे पास था पहले, आप देख सकते हैं उसका अनबॉक्सिंग, और 4GB, ये ग्लोबल वेरिएंट में आता है। जैसे मैंने कहा दोस्तों MIUI 10 आता है इंडियन वर्जन में आउट ऑफ द बॉक्स, वेयर इज ग्लोबल वेरिएंट में 9.6 वर्जन है विच इज अपडेटेबल, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको 9.6 मिलता है। दोस्तों 6.26 इंच का इसका डिस्प्ले है, लेकिन नॉच इज वन ऑफ द बिगेस्ट दैट आई हैव सीन, वन ऑफ द बिगेस्ट। मैं ऐसे नहीं कहूंगा सिर्फ इसी में है, लेकिन नॉच बड़ी है। नीचे की आप चिन भी देखोगे क्वाइट बिग, बाजू के बेजल्स भी जी हाँ पतले नहीं है, इतना जरूर कहूंगा। AI कैमरा दोस्तों, जी हाँ, देखते हैं ग्लोबल वर्जन और इस वर्जन में फोटोज कुछ अलग निकलते हैं, कैमरा में कुछ डिफरेंस है। MIUI 10 की वजह से शायद सॉफ्टवेयर ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा, लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों अगर कैमरा की बात करते हैं तो जो ग्लोबल वेरिएंट है इंडियन वेरिएंट है दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सेल्फी में मुझे स्लाइट एज डिटेक्शन वगैरह ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ स्लाइट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल इसका जो कैमरा है अच्छा है, इनफैक्ट हमने इसका Realme 2 Pro के साथ कंपेरिजन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। ओवरऑल इट्स अ डिसेंट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन, स्पेशली क्योंकि डुअल कैमराज है आगे, और पीछे के भी जो रेयर है डिसेंट AI का कैमरा है। आफ्टर ऑल सब फीचर्स है इसमें, पोर्ट्रेट मोड है, HDR है और AI कैमराज है, फिल्टर्स है, और क्या चाहिए। दोस्तों अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो 64GB 6GB का वर्जन है हमारे पास। 64GB में से आपको अवेलेबल होता है 52.23GB, इसका मतलब कुछ 12GB सिस्टम खा लेता है। और जैसे मैंने कहा MIUI 10 है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 8.1.0। दोस्तों हमने ग्लोबल वर्जन का कंप्लीट डिटेल अनबॉक्सिंग किया था, इसलिए इसका सिर्फ जो भी डिफरेंसेस है, छोटे मोटे चेंजेस है, वही बोला। लेकिन आपको अगर कोई भी सवाल है Redmi Note 6 Pro के बारे में तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे Redmi Note 6 Pro के FAQs का, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का, तो जरूर पूछिएगा। दूसरी बात, ये लॉन्च हो रहा है 22 को इंडिया में एंड 23 से आपको खरीदने को मिल जाएगा
ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसकी प्राइस होने वाली है। जैसे मैंने कहा इट इज नॉट अ बिग अपग्रेड क्योंकि सीपीयू सेम है, 636 जो रेडमी नोट 5 प्रो में हुआ करता था वही रेडमी नोट 6 प्रो में भी है। नाउ डुअल कैमराज है बट इट इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, आई मीन इट इज ओके। तो प्राइस अगर दोस्तों 15,000 के नीचे, 15-16,000 के करीब होगी 6GB की, और 4GB की अराउंड 12-13 होगी, या फिर 13-14 ठीक ठाक कहूंगा फिर मैं। बट इफ यू हैव अ रेडमी नोट 5 प्रो वेदर यू विल अपग्रेड, क्या आप अपग्रेड करोगे रेडमी नोट 6 प्रो के ऊपर? अगर आपके पास रेडमी नोट 5 प्रो है तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।